फटाफट खबरों। 16 कच्छ और सौराष्ट्र दरिया कांठे त्राटकनार संभवित वावाझोड़ा सामे राज्य सरकारे एक्शन प्लान बनाव्यो छे। हवामान विभाग ने आगाही मुजब अत्यारे चिंतानो कोई ज कारण नथी। कच्छ ने सौराष्ट्र समुद्र विस्तारों में चक्रवात अंगे कोस्टगार्डे आपी चेतवनी। आगामी दिवसों में जरात महाराष्ट्र ने गोवा दरियाकांठा विस्तारों में चक्रवात की संभावना। मछीमारों ने दरियो न खेड़वा सूचना अपाई। आवतीकाले देशभर में रमजान ईद मनावामां आवशे। कोरोना की स्थिति ने ध्यान में राखी ईद ना बे दिवस अगाउ अमदावाद में पोलीस ने जामा मस्जिद मौलवी वच्चे बैठक योजाई हती। बैठक बाद मुफ्ती शब्बीर अहमद सिद्दकीए मुस्लिम बिरादरों ने ईद ना पर्व पर नमाज पोताना घरे पड़े तेवी अपील करी छे। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ना महत्वनो निर्णय। कोरोना की सारवार माटे मां कार्ड अने मां मृतम वात्सल्य कार्ड नो उपयोग करी शकाशे। रोजना 5000 लेखे 10 दिवस 50000 सुधीनी सारवार थई शके। हवेथी स्मशान गृहना कर्मचारी फ्रंटलाइन वोरियर्स गणाशे। स्मशान गृहना कर्मचारियों ने 25 लाख नो मृत्यु वीमो मळशे। परिवार वारसदारों ने 25 लाख की सहाय चूकवशे सरकार। राज्य सरकारे लीधो आ निर्णय। तबीबों ने नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल मामलों आरोग्य मंत्री नीतिन पटेले 10 मांग स्वीकारी। कर्मचारियों 10 प्रश्नों निराकरण आपी मंजूरी। तबीबी शिक्षकों पोतानी फरज बजावे तेवी आशा व्यक्त करवामां आवी। कर्मचारी व्याजबी निराकरण अंगे योग्य कार्यवाही की खातरी अपाई। सूरत में वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी में लेवाशे ऑनलाइन परीक्षा। 300 कॉलेज 3 लाख विद्यार्थियों आपशे ऑनलाइन परीक्षा। 3 लाख विद्यार्थियों बीजा सत्र की परीक्षा ऑनलाइन आपशे। 50 एमसीक्यू 50 गुण की परीक्षा मोबाइल पर आपी शकाशे। सूरत महानगरपालिका स्विमिंग पूल विजिबल 1.5 करोड़ आयो। सवा वर्ष स्विमिंग पूल से बंद तेरे 15 महीना बाद स्विमिंग पूल में पानी खाली करने आदेश। सूरत में धोरण 8 ना विद्यार्थी गले फांसो लागी जवाथी मृत्यु थयुं छे। एक एप पर वीडियो मुकवा माटे बनावती वक्त एक घटना बनी। सोशियल मीडिया पर अवनवा वीडियो बनावानो शौक हतो। सूरत ना सरथाणा विस्तार में रहते आ विद्यार्थी। भरूचनी पटेल वेलफेर होस्पिटल में आग बाबते फरियाद नोंधाई। पटेल वेलफेर कोविड होस्पिटल में लागी थी आग। बेदरकारी दाखवा बदल होस्पिटल ट्रस्टीओ सामे पोलीस फरियाद नोंधाई छे। बी डिविजन पोलीस मथके गुनो दाखल करवामां आव्यो छे। कुंभार ज्ञाति ने राज्य सरकारे ओबीसी नो लाभ आप्यो छे। हवे सामाजिक शैक्षणिक रीते पछात वर्ग ना लाभो मळशे। ओबीसी प्रमाणपत्र मेळववामां नहीं पड़े कोई तकलीफ। मारू कुंभार ज्ञाति ने शिक्षण अने नौकरीओ मां लाभ मळशे। जायडस कैडिलानी कोरोना सामेनी दवा विराफिन ना भाव नक्की करवामां आव्या छे। एक डोज की किंमत 11,995 राखवामां आवी। जायडसे दावो कर्यो कि आ दवा हळवा लक्षणों धरावता दर्दियों माटे उपयोगी थशे। तेनाथी सारवार दरमियान ऑक्सिजन सपोर्ट की जरूर नहीं पड़े। मारू गाम कोरोना मुक्त गाम अभियान 20 मे सुधी लंबावायु। 248 तालुका में 15,000 थी वधु कोविड केर सेंटर बनावाया। पंचायत राज्यमंत्री आपी छे आंगे माहिती। अमदावाद में खानगी कोटा में 6,688 बेड कोरोना दर्दियों की सारवार माटे फाळव्या छे। 6,688 मांथी 1,813 बेड खाली। जारे 4,875 बेड पर दर्दियों सारवार हेठळ छे। खानगी कोटा में आईसीयू विथ वेंटिलेटर नो एक ज बेड खाली छे। 424 बेड पर कोरोना दर्दियों सारवार हेठळ छे। खानगी कोटा में 500 एचडीयू बेड खाली छे। दाऊदी संजेली कोविड केर सेंटर में भूतिया दर्दी उभा करवामां आव्या छे। प्रांत अधिकारी की मुलाकात बाद दर्दियों थया गायब। अधिकारी की मुलाकात बाद संजेली कोविड केर सेंटर ने मार्या ताळा। संजेली तालुका में 54 कोविड सेंटर बनाव्यानो दावो। सूरत में पहली बार रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग 100% संतोषवामां आवी छे। तमाम खानगी होस्पिटलों दर्दियों ने इंजेक्शन आपवामां आव्या। तमाम दर्दी ने इंजेक्शन आप्या बाद 200 इंजेक्शन वध्या। अमदावाद शहर में हवे कोरोना केस में थई रह्यो छे घटाड़ो। कोरोना केस घटता माइक्रो कंटेनमेंट विस्तारों पण घट्या छे। लांबा समय बाद एक पण विस्तार ने माइक्रो कंटेनमेंट न कराय। वडोदरा में हजू पण ऑक्सिजन की अछत यथावत। कोरोना केस घटवा छता 10% ऑक्सिजन की घट। वडोदरा में हाल 180 मेट्रिक टन ऑक्सिजन की छे मांग। ऑक्सिजन की घट सर्जाता दर्दियों ने पड़ी शके छे हालात। अमदावाद में आज थी वधु एक स्थल पर ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन शुरू थयु छे। शहर जोधपुर वोर्ड में आवेली चिमनभाई पटेल इंस्टीट्यूशन पाछळ नक्की करायु छे। स्थल एएमसी ना प्लॉट में करवामां आवी तमाम व्यवस्था। नवा स्थल सहित हवे अमदावाद में 4 जगह पर ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की सुविधा। राजकोट में चौधरी हाईस्कूल ग्राउंड में सेवाभावी संस्था मंडप तंत्र हटाया। पुलिस सामाजिक संस्थाओं ने सेवा बंद करने करो आदेश। सिविल हॉस्पिटल की कैंटीन ने फटको पड़ता पुलिस सहारो लीधो होवानी चर्चा।
कोविड होस्पिटल में आग बाद भावनगर तंत्र जाग्यू छे। फायर सेफ्टी ना साधनों न होवाथी चार होस्पिटल ने नोटिस आपी। लाखानी होस्पिटल, वर्धमान होस्पिटल, ओम नर्सिंग एंड आईसीयू केर एंड परिवार जनरल होस्पिटल ने अपाई छे नोटिस। फायर सेफ्टी ना साधन न होवा छता अपाती हती सारवार। વડોદરાની ગોત્રી જીએમઈઆરએસ હોસ્પિટલમાં નર્સોની હડતાલ, પડતર પ્રશ્નો અંગે તબીબી પ્રાધ્યાપકો બાદ નર્સોની હડતાલ। 300 નર્સિસ અને બ્રધર્સ હડતાલ પર ઉતર્યા, અનેકવાર રજૂઆત બાદ ઉકેલ ન આવતા હડતાલ કરી। સયાજી હોસ્પિટલના નર્સિસ અને બ્રધર્સ 18 મેથી હડતાલ પર ઉતરશે। જૂનાગઢમાં સરદાર પટેલ માર્કેટિંગ યાર્ડ 18 મે સુધી સંપૂર્ણ બંધ રહેશે। ખેડૂતોને જણસી ન લાવવા માટે યાર્ડની અપીલ છે, જોકે શાકભાજી સબ યાર્ડ રાબેતા મુજબ ચાલુ રહેશે। સરકારના જાહેરનામાનો અમલ કરવા લેવાયો છે આ નિર્ણય। भावनगर में जाहेरनामा भंग बदल 11 दुकाने सील कर वासण ग्राफिक्स स्टूडियो और फूटवेर की दुकान कराई सील। 18 मे सुधी दुकाने रहेशे सील। अंबाजी मंदिर 18 मे सुधी रहेशे बंद। संक्रमण वधता वधु 6 दिवस मंदिर बंद रहेशे। एक महीना थी मंदिर बंद छे। कोरोना की बीजी लहर में सूरत में 1400% मेडिकल वेस्ट वध्यो छे। कोरोना ना केस वधता मेडिकल वेस्ट वध्यो। अढ़ी महीना में दरो 3369 किलो मेडिकल वेस्ट निकलो। 1300 डिग्री तापमान में मेडिकल कचरा कराई रह्यो छे निकाल। जूनागढ़ में कोरोना काल में मानवता महकी खोडलधाम समिति दररोज 200 वधु लोगों ने आपे छे ऑक्सिजन। समस्त ब्रह्म समाज दररोज 200 परिवारों ने आपे छे भोजन। મોરબીના જોધપુર ગામે કોરોના કેર સેન્ટરમાં સારવાર લેતા યુવાનોએ આપી પરીક્ષા। પીડીયુની એપ્લિકેશન ઉપરથી 2.5 કલાકમાં યસ સરેશિયાએ આપી હતી પરીક્ષા। મહારાષ્ટ્રમાં લોકડાઉનના સમયમાં વધારો કરવામાં આવ્યો। 31 મે સુધી મહારાષ્ટ્રમાં રહેશે લોકડાઉન। 18 થી 44 વર્ષ સુધીના લોકો માટેની વેક્સિનેશનની પ્રક્રિયાને હાલ પૂરતી રોકવામાં આવી। મહારાષ્ટ્ર પાસે હાલમાં 16 લાખ કોવિશિલ્ડ અને 4 લાખ કોવેક્સિનના ડોઝ ઉપલબ્ધ છે। કેરળમાં કોરોનાના કેસ સતત વધી રહ્યા છે। ઈદનો તહેવાર હોવા છતાં શહેરમાં લોકડાઉન લાગુ કરાયું। એક દિવસમાં સર્વાધિક 43,000થી વધુ કેસ નોંધાતા કડક લોકડાઉન। તિરુવનંતપુરમમાં મુખ્ય રસ્તાઓ પર લોકોની પાંખી હાજરી જોવા મળી। જમ્મુ કાશ્મીરમાં કોરોનાનો કહેર યથાવત વધતા કોરોનાના કેસને કારણે લોકડાઉન 17 મે સુધી લંબાવાયું છે। તમામ દુકાનો બંધ રહેતા શ્રીનગર શહેર બન્યું સુમસામ। લોકડાઉનમાં વાહનોની અવરજવર પર પ્રતિબંધ હોવાથી પોલીસે રસ્તાઓ પર બેરીકેડ લગાવ્યા। ઉત્તર પ્રદેશમાં સતત વધી રહેલા કોરોનાના કેસના પગલે રાજ્ય સરકારે આંશિક કોરોના કરફ્યુને લંબાવ્યું છે। કોરોના કરફ્યુ 17 મે સુધી લાગુ રહેશે। કરફ્યુ દરમિયાન લોકોની અવરજવર બંધ રહેતા શહેર બન્યું સુમસામ। કોરોનાની ચેઇન તોડવા નિર્ણય લેવામાં આવ્યો। કોરોના સામે જંગ લડવા માટે દેશમાં રસીકરણ પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે નિષ્ણાંતોએ દાવો કર્યો છે કે રસીનો ત્રીજો ડોઝ પણ લેવાની જરૂર પડી શકે છે। એઇમ્સના ડાયરેક્ટર રણદીપ ગુલેરિયાએ કહ્યું કે કોરોના સામે લડવા માટે રસીના ત્રીજા ડોઝની પણ જરૂર પડી શકે છે। કોરોના વેક્સિનેશનને પગલે ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે પોતાનો વિવાદિત નિર્ણય પરત ખેંચ્યો છે। હવે 18 થી 44 વર્ષના લોકોને વેક્સિનેશન માટે આધાર કાર્ડ અને પરમનન્ટ રેસિડેન્શિયલ એડ્રેસના પ્રમાણપત્રની જરૂર નહીં પડે। આ પહેલા રાજ્ય સરકારે માત્ર યુપીના લોકોને વેક્સિન આપવા માટેનો નિર્ણય કર્યો હતો। કોરોનાની બીજી લહેરમાં ગામડાઓમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો સંક્રમિત થઈ રહ્યા છે અને આ વચ્ચે ઉત્તર પ્રદેશના ઉન્નાવમાંથી પસાર થતી ગંગા નદીના કિનારે અનેક લોકોના મૃતદેહ જોવા મળ્યા હતા। ગામડાઓના લોકો અને પ્રશાસન ચિંતિત થયું હતું। જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે આ અંગે તપાસ કરવા આદેશ આપ્યા છે। ઉત્તર પ્રદેશના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં કોરોનાનું સંક્રમણ વધ્યું। બરેલીના ક્યારા ગામમાં અનેક લોકોમાં કોરોનાના લક્ષણ જોવા મળ્યા, જોકે સારવારના અભાવે દર્દીઓના મૃત્યુ થયા છે। માહિતીના અભાવે લોકોએ તેને રહસ્યમય બીમારી ગણાવી પહેલા તાવ અને ત્યારબાદ શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થતા લોકોના મૃત્યુ થયા છે। ભારતમાં કોરોનાનું સંકટ હજુ યથાવત છે, ત્યારે દુનિયાના અલગ અલગ દેશો પાસેથી સતત મદદ મળી રહી છે અને આ વચ્ચે જર્મનીથી 176 વેન્ટિલેટર્સ, ફિનલેન્ડથી 324 ઓક્સિજન સિલિન્ડર અને ગ્રીસથી 10 ઓક્સિજન સિલિન્ડર અને અન્ય મેડિકલ ઉપકરણો સાથેની ફ્લાઇટ દિલ્હી પહોંચી છે। કોરોનાની બીજી લહેરમાંથી પસાર થઈ રહેલા ભારતની મદદે આવ્યું છે ઇન્ડોનેશિયા। ઇન્ડોનેશિયા 200 ઓક્સિજન કન્સન્ટ્રેટર સાથેની ફ્લાઇટ દિલ્હી પહોંચી છે અને આ પહેલા ભારતીય વાયુસેનાનું વિમાન ઇન્ડોનેશિયાના જકાર્તાથી 4 ઓક્સિજન કન્ટેનર પણ લાવ્યું હતું। હરિયાણાના કરનાલમાં કોરોનાના કહેરને પહોંચી વળવા માટે 5 મિનિબસને એમ્બ્યુલન્સમાં તબદીલ કરવામાં આવી છે। કરનાલના સિવિલ સર્જનને જણાવ્યું કે આ દરેક મિનિબસમાં 4 ઓક્સિજન બેડ સાથે મેડિકલ ઉપકરણોની સુવિધા આપવામાં આવી છે। ગુજરાતમાં કોરોનાના નવા 11,070 કેસ નોંધાયા છે। 24 કલાકમાં 102 દર્દીના મૃત્યુ થયા છે, જ્યારે 15,264 દર્દીઓએ કોરોનાને માત આપી છે।
महाराष्ट्र में एक दिवस में कोरोना 46,781 नवा केस नोंधाया है। 58,805 लोगों कोरोना ने आपी मात, जारे 816 लोगों मृत्यु थया है। एक्टिव केस की संख्या 5.46 लाख ने पार, जारे कुल केस की संख्या 52.26 लाख ने पार थी। उत्तर प्रदेश में कोरोना केस में वधारो, एक दिवस में कोरोना 18,125 केस नोंधाया है। 26,712 लोगों कोरोना ने आपी मात, जारे 329 लोगों मृत्यु थया है। एक्टिव केस की संख्या 2.6 लाख ने पार, कुल केस की संख्या 15.63 लाख ने पार। दिल्ली में एक दिवस में कोरोना 13,287 नवा केस सामने आया है, जारे 300 लोगों का मृत्यु थया है। 14,071 लोगों कोरोना ने आपी मात, जारे एक्टिव केस की संख्या 82,725 ने पार पहुंची, कुल केस की संख्या 13.61 लाख ने पार। पंजाब में एक दिवस में कोरोना 8,347 नवा केस नोंधाया है, जारे 197 लोगों मृत्यु थया है। आ साथ 4,971 लोगों कोरोना ने मात आपी, एक्टिव केस की संख्या 79,963 ने पार, जारे कुल केस की संख्या 4.67 लाख ने पार। कर्नाटक में एक दिवस में कोरोना 39,998 नवा केस नोंधाया है, जारे 570 लोगों मृत्यु थया है। आ साथ 34,752 लोगों कोरोना ने आपी मात, एक्टिव केस की संख्या 5.92 लाख ने पार, जारे कुल केस की संख्या 20.53 लाख ने पार थी। भारत में कोरोना केस की संख्या में फरी वधारो थयो छे, एक दिवस में कोरोना 3,62,727 नवा केस नोंधाया है, जारे 4,120 दर्दियों मृत्यु थया है। जारे एक दिवस में 18.64 लाख की कोरोना टेस्ट थया है। अत्यार सुधी में कोरोना टेस्टिंग की कुल संख्या 30.94 करोड़ ने पार थी। भारत में कोरोना सामे रिकवर थे दर्दियों की संख्या 1.97 करोड़ ने पार, एक दिवस में कोरोना सामे 3,52,181 लोग रिकवर थया, त्यारे देश में रिकवरी रेट 83.4% पर पहुंचो, जारे अत्यार सुधी में 17.72 करोड़ थी वधु लोगों ने वैक्सीन अपाई छे। एक्टिव केस की संख्या 37.10 लाख ने पार। भारत में कोरोना केस 2,37,00,000 ने पार, अत्यार सुधी में कोरोना थी देश में 2,58,000 थी वधु दर्दियों जीव गुमाव्या। आ साथ अत्यार सुधी में कुल 1,97,00,000 थी वधु दर्दियों थया स्वस्थ। विश्व में कोरोना कुल केस की संख्या 16,10,00,000 ने पार, जमा अत्यार सुधी में 33,45,000 थी वधु दर्दी मृत्यु थया है। अत्यार सुधी में 13,88,00,000 थी वधु दर्दियों कोरोना सामे स्वस्थ थया। दिल्ली में एक तरफ कोरोना कहर यथावत है, त्यां बीजी बाजू शहर वातावरण में अचानक पलटो आव्यो छे। वहेली सवारे शहर के विस्तारों में वरसादी छाटा पड़ा, जेने कारणे वातावरण में प्रसरी ठंडक। मुंबई भाईंदर समुद्र विस्तार में मछीमारों ने जाड़ में वहल मछली फसाई गई, मछीमारों समुद्र में 10 नॉटिकल माइल्स गया था। मछली जाड़ में वहल मछली ने जोता मछीमारों जाड़ ने कापी वहल ने मुक्त करी। मछीमारों मुजब वहल मछली अंदाजे 15-20 फूट लांबी थी।